तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरम में, और लेके आ गया हूँ मैं आज आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज। तो आज की टेक न्यूज बहुत ही गर्मा गर्म होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस पहली खबर की बात करें तो पहली खबर शाओमी की तरफ से है, और शाओमी का एक जो ट्रेडमार्क है वो 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जैसा कि वो डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। और इस ट्रेडमार्क में लिखा हुआ है कि ये शाओमी का टीम मशीन होने वाला है, तो जो अपकमिंग शाओमी के IoT डिवाइस है तो उसमें शायद ये टीम मशीन आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी ये रूमर्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कन्फर्म, बट आपको अपकमिंग में IoT डिवाइस में शाओमी का टीम मशीन भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस दूसरे खबर की बात करें तो दूसरे खबर रियलमी की तरफ से, और 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर रियलमी का एक ट्रेडमार्क लिस्ट हुआ है, जिसको बताया जा रहा है कि ये रियलमी का कॉफी मशीन होने वाला है। और अपकमिंग में जो रियलमी का IoT डिवाइस है उसमें रियलमी बैंड और बाकी ये सब भी देखने को मिलेंगे, बट ये जो है ये रियलमी का आपको कॉफी मशीन भी देखने को मिलेगा। ओ भाई मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं ये। बस तीसरे खबर की बात करते हैं, तीसरे खबर रेडमी की तरफ से, और रेडमी का एक नया मॉडल नंबर टीना वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जिसका मॉडल नंबर नेम है M2003J15SC, और बताया जा रहा है कि ये रेडमी का रेडमी नोट 9 हो सकता है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे इसकी लाइव इमेज भी आ चुकी है, तो सेम आपको रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जैसा ही आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, बट रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि क्वाड कैमरा के नीचे में, और इसका जो LED फ्लैश है वो आपको साइड में देखने को मिलेगा। इसकी स्पेसिफिकेशन भी आ चुकी है, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाला है MediaTek Helio G80 चिपसेट के साथ, और 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, राइट साइड में पंचोल दिया गया है, और आपको इसमें 4920mAh की बैटरी के साथ आपको इसमें 22W का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो बताया जा रहा था कि रेडमी नोट 9 होने वाला है, बट रेडमी नाइन होने वाला है, क्योंकि रेडमी 9 में तो लंबा टाइप का कैमरा था, जैसा कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिला था, तो उस टाइप का होने वाला है। बट अभी इसकी जो मतलब फोन को देख के बताया जा रहा है कि रेडमी नोट 9 होने वाला है, रेडमी 9 नहीं होगा, रेडमी नोट 9 होगा ये स्मार्टफोन। तो अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ तो आप इसे परचेज करेंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस चौथे ओवर की बात करते हैं, चौथे ओवर मीजू की तरफ से, और मीजू अपना बहुत ही कम स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है, और जब भी स्मार्टफोन लॉन्च करती है धमाका करती है, मतलब अच्छे प्राइस रेंज में ही आपको फ्लेक्सिबल वाले जो फीचर्स है वो इसमें देखने को मिलता है। तो आप लोगों के पास भी अगर इसके कुछ मॉडल्स होंगे और आप लोग यूज़ करते होंगे, तो मीजू अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, मीजू 17, और इसे पहले आप चाइना में देख सकते हैं, मतलब कंपनी इसे पहले चाइना में लॉन्च करेगी, उसके बाद बाकी इंडिया में भी लॉन्च कर सकती है। तो बताया जा रहा है कि इसके कुछ फोटोज भी आए, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, और इसमें कंपनी अपना जो स्नैपड्रैगन 865 वाला जो 5G चिपसेट है वो इसमें देने वाली है, और 6GB रैम और 8GB रैम के साथ कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है। तो डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, फ्रंट में आपको पंचोल कैमरा भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और फ्रंट कैमरा आपको राइट साइड में देखने को मिल सकता है, और कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। तो ये स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च हुआ तो आपको मतलब धमाका होने वाला है, अगर अच्छी प्राइस रेंज में कंपनी लॉन्च की अच्छे फीचर्स के साथ और इस मतलब जो ये प्रोसेसर के साथ, तो IQ को भी बीट कर सकती है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करें। तो गाइस पांचवें अगर की बात करें तो पांचवें अगर मोटोरोला की तरफ से, और मोटो अपना जो मोटो एज सीरीज है उसको 22 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है चाइना में, और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी आ चुकी है और कुछ फोटोज भी आ चुके हैं, लाइव शॉट भी आ चुके हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे मोटोरोला एज और एज प्लस दोनों में ही आपको पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा, और दोनों में मोटोरोला एज जो है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 765G वाला जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा, और मोटोरोला एज प्लस में आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन 4GB, 6GB और 8GB वेरिएंट में लॉन्च करने वाली कंपनी, और ये मोटोरोला का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको रियर में रेन ड्रॉप कैमरा देखने को मिलेगा, और जो मेन कैमरा है वो बताया जा रहा है कि 64 मेगापिक्सल का हो सकता है, और ये कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको रेन ड्रॉप कैमरा तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। अब तक मोटोरोला का ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं आया जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिले, फोल्डेबल फोन आया था बट कर्व डिस्प्ले वाला फोन नहीं आया था, बट ये मोटोरोला का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर इंडिया में ये लॉन्च हुआ तो इसे मतलब आप लोग परचेस करेंगे कि नहीं, और ये स्मार्टफोन अच्छा होगा कि नहीं, और आई थिंक ये जो इसकी प्राइसिंग 55 या फिर 60,000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि मोटोरोला का जो मतलब अपना अलग ही ब्रांड होता है एक लोग, आप लोगों को पता है, और ये स्मार्टफोन बनाते दमदार स्मार्टफोन बनाते, तो आई थिंक प्राइसिंग के मामले में 60,000 से 55,000 के बीच ये स्मार्टफोन हो सकता है। तो आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके। तो गाइस 6 नंबर वाले खबर की बात करें तो 6 नंबर वाला खबर IQOO Neo 3 की तरफ से है, और 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, और बताया जा रहा है कि उसमें आपको 44 वाट का वायर चार्ज देखने को मिलेगा, और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आपको इसमें देखने को मिलेगा विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ,
और इसका एंटूटू स्कोर भी आ चुका है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे 6,08,801 टोटल स्कोर है, जो कि वन प्लस 8 के आसपास ही है आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्कोर से देख के पता चला है कि स्मार्टफोन तो काफ़ी दमदार होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 7.8 GHz वाला चिपसेट भी देखने को मिलेगा और एक 5G लेवल का स्मार्टफोन भी होने वाला है, और स्पेशली एक गेमिंग फोन भी होने वाला है। तो इसलिए ये जो स्मार्टफोन है ये मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है IQOO NEO 3 की तरफ से, और कम बजट में भी देखने को मिलेगा। तो इसकी प्राइस से रिलेटेड इसकी तो कोई जानकारी आई नहीं है, तो आपको 22 अप्रैल को ही पता चले, 22 बोल रहा हूँ मैं, 23 अप्रैल को ये लॉन्च होने वाला है, तो 23 अप्रैल को ही आपको इससे प्राइसिंग से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे इससे प्राइसिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कंपनी इसे किस प्राइस रेंज में लॉन्च कर सकती है। तो गाइस सातवें घर की बात करें तो सातवें घर हुआवे की तरफ से, और जैसा कि मैंने इसके पहले जो न्यूज़ है उसमें बताया था कि हुआवे अपना जो हुआवे नोवा 7 नाम से एक सीरीज फ़ोन निकालने वाली है, तो इसकी लाइव इमेज भी आ चुकी है, और इन हुआवे नोवा 7 सीरीज़ में आपको हुआवे नोवा 7, नोवा 7 प्रो और नोवा 7 SE 5G एस्मो इसमें देखने को मिल जाता है, और इन तीनों स्मार्टफोन की लाइव इमेज भी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे हुआवे नोवा 7 में आपको सिंगल पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा, और हुआवे नोवा 7 प्रो में आपको ड्यूल पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा विद आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 5G होने वाला है, और हुआवे नोवा 7 SE में भी आपको ड्यूल पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा और कर्व डिस्प्ले होगा। तो हुआवे नोवा 7 प्रो और नोवा 7 SE 5G ये दोनों ही जो फ्रंट में मॉडल है वो दोनों ही सेम होगा, बट बैक में आपको जो बैक की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ अलग देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों स्मार्टफोन का जो फ्रंट का जो डिज़ाइन है और लाइव इमेज है वो आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख चुके हैं। तो ये तीनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हुआवे नोवा 7 सीरीज़ में, और जितना कहा जा रहा है कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में अगर इसे लॉन्च किया गया तो इसमें आपको गूगल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, GMA सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और गूगल का जो P40 और गूगल कह रहा हूँ मैं हुआवे का जो P40 और P40 वाला जो स्मार्टफोन प्रो स्मार्टफोन जो है P40 और P40 Pro जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और उसमें भी आपको गूगल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे जितना लगता है कि ये जो नोवा 7 सीरीज़ है वो इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राइसिंग भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है, और बाकी इसके जो आपको पता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लॉन्च करते हुआ हमें, तो अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो आप इसे परचेस करेंगे कि नहीं, और आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस आठवें घर की बात करें तो आठवें घर हुआवे की तरफ से, और हुआवे का जो हुआवे GT2E स्मार्ट वॉच है उसकी सेल चाइना में 26 अप्रैल को स्टार्ट करने वाली है कंपनी, और आई थिंक ये जो स्मार्ट वॉच है ये आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, बट अभी नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको जून जुलाई में आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल सकता है। और मुझे इसकी जो स्मार्ट वॉच है हुआवे की ये बहुत काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारे इनका जो अपना फीचर है वो इसमें देने वाली है, और इसका जो UI है वो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इसका जो UI है वो अपना आवन UI है, मतलब इनका खुद का UI है, और इसमें आपको गूगल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे ये ठीक लगा, बट गूगल का सपोर्ट मुझे थोड़ा मतलब काफ़ी अलग सा लगा है कि इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, और इसका जो वॉच है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो है वो सर्कुलर टाइप की होती है और काफ़ी शाइनिंग भी मारती है, और घड़ी का जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसका UI को, तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो आपको ये स्मार्ट वॉच कैसा लगा, और अगर ये लॉन्च होता है तो आप इसे परचेस करेंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके। तो गाइस 9 नंबर वाली खबर की बात करते हैं, 9 नंबर वाली खबर नोबिया की तरफ से, और नोबिया अपना बहुत सारा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नोबिया अपना जो एक स्मार्टफोन लॉन्च की थी गेमिंग लेवल पर, जिसका नाम था नोबिया रेड मैजिक, और अभी नोबिया अपना एक नया स्मार्टफोन लेके आने वाली है नोबिया प्ले 5G, जो कि चाइना में लॉन्च होगा और उसके बाद आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, और कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी कुछ इमेज भी शेयर किए हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर अमोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और 48MP का क्वाड कैमरा होने वाला है इसमें, और क्वाड कैमरा का डिज़ाइन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे लंबा सा होने वाला है, और 12MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और 5100mAh की बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ये चाइना में लॉन्च का, उसके बाद ही आपको इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन है और अभी इंडिया में 5G नहीं है, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता, ये चाइना में लॉन्च होगा। तो जैसे इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इस टाइप की जो टेक न्यूज़ है गर्मा गर्म मैं आपको लाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, और घर में रहिए, स्टे होम रहिए, स्टे सेफ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।